यूपी के पेंशन धारकों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ई पेंशन सेवा के जरिए 1 मई को अहम तोहफा देगी, जिसके तहत पेंशन के हकदार किसी भी कर्मचारी को रिटायर होने के 3 दिन के भीतर ही पेंशन की राशि उसके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी मंडल आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को उनके जिले में रिटायर होने वाले कम से कम 100 कर्मचारियों के साथ मौजूद रहने को कहा गया है। सरकार का दावा है कि सेवा के शुरू होने से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पाने की दिक्कत नहीं होगी। यूपी सरकार ने रिटायर हो रहे कर्मचारियों को ई पेंशन सेवा के माध्यम से पेंशन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से कई सरकारी विभागों में सरकार ने पेंशन की योजना को बंद कर दिया है। ऐसे में जिन विभागों में पेंशन की योजना जारी है उनमें वहां के कर्मचारियों के लिए इस तरह का फैसला काफी बड़ा और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।